हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन लेक्चर थर्टीन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस क्रैश कोर्स जहां पे हम इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है क्वेश्चंस देखेंगे और ये क्या है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो दिस पी वाई क्यूज डील विथ सर्टन कंटेम्प्रेरी इशूज जो कि अगेन न्यूज में हैं विध रिस्पेक्ट टू द फंक्शनिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस बिकॉज ऑफ द ऑन स्लॉट ऑफ द कोविड नाइन्टीन पैंडमिक एज वेल एज द यूक्रेन क्राइसिस यू एन इसकी फंक्शनिंग फंक्शनिंग को, को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन उठ गए हैं जिसके कारण अगेन दीज क्वेश्चन बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन कौन से होंगे सबसे पहले अबाउट यू एन के रिफॉर्म्स To its structure and functioning, and secondly, UN and its tackling of transnational terrorism. So a 2016 ka question hai, and are 2014 ka question. Hai. Before we move ahead, just to let you know that if you're a student who's preparing for Mains 2022, I would highly advise that along with this crash course, you also practice answer writing via our test series program which not only includes test 10 tests but also our current affairs lectures from January 2022 which can be a great value addition to your इंटायर एग्जाम साथ ही में इसमें इंक्लूडेड है स्कॉलरली परस्पेक्टिव चीट शीट्स जिनके अंदर हर टॉपिक के, के साथ जुड़े जो हैं आपको स्कॉलर्स की परस्पेक्टिव मिल जाएंगे टू कोर्ट सो वेदर इट्स डब्ल्यू पी टी आई पी टी आई जी पी या फिर आपकी आई आर एन आई एफ पी एवरी थिंग विल बी ग्रांटेड यू नेक्स्ट आप इम्पॉर्टेंटली हमारा जो बैच थ्री है ऑफ पी एस आई आर ऑप्शनल इट इज़ ह्योर आप जो है उसके लिए फटाफट इनरोल कर सकते हैं फर्स्ट जुलाई से उसकी हो गई थी बट फोर्थ जुलाई तक जो है आपके पास टाइम है टू एनरोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली ठीक है तो फोर्थ जुलाई ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा कोर्स आप जो है हमारा डिस्काउंट कूपन एस पी जी यूज कर सकते हैं टू अवेल डिस्काउंट एज वेल राइट तो आप जो है बैच थ्री में इनरोल करके कंप्लीट फ़ायदा उठा सकते हैं और वह होलिस्टिक लेक्चर्स हमारे करंट अफेयर्स के इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं तो मतलब आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिलते हैं एंड साथ ही साथ में इसमें टेस्ट भी जो है इंक्लूडेड है एंड एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होता है फॉर टाइमली डाउट रिजॉल्विंग इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ऑप्शन तो आप सिर्फ हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मंथली जो एक डायनामिज्म है पी का उसके लिए आपको लेक्चर्स मिलते रहें तो चलिए एक और जो खबर है वो भी आपको बता देते हैं कि अब पी एस आई आर ऑप्शनल जो है सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल होगा फ्रॉम इम्पोर्टेंटली थर्टी फर्स्ट जुलाई जब हमारी ओरिएंटेशन क्लास होगी एंड देन फर्स्ट ऑगस्ट से जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी ठीक है तो पहली बार जो है हम ऑफलाइन जा रहे हैं एक ही बैच होगा एंड बैच होगा फॉर जी एस एंड फॉर ऑप्शनल सोशियोलॉजी एंड पी एस आई आर क्योंकि हमारे हेड क्वार्टर्स मोहाली विच इज़ इन द चंडीगढ़ चाय सिटी एरिया वहाँ पे होगा तो आप आके इनरोल कर सकते हैं एंड सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज का रैंक प्रोड्यूसिंग कोर्सेज का जो है हिस्सा बन सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ ना द क्वेश्चन सेज़ डू यू इंडोर्स दैट यूनाइटेड नेशन नीड्स मेजर चेंजेस इन इट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग सजेस्ट चेंजेस फॉर एफिशेंट इम्प्रूवमेंट ठीक है तो पहले क्या है कि क्या आप अग्री करते हैं कि यू एन को चेंजेस की जरूरत है दैट यू एन डज रिक्वायर चेंजेस वेन इट कम्स टू इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग एंड इफ यू डू वॉट आर सर्टन सजेशन दैट कैन इम्प्रूव इट्स फंक्शनिंग ट्वेंटी सिक्सटीन का क्वेश्चन है अगेन रेलिवेंट हो जाता है बेसिकली इसके अंदर आपने दो चीज़ें करनी है सबसे पहले तो एनी स्टूडेंट विल अग्री दैट येस यू एन इज इन डायर नीड Of changes when it comes to its structure and functioning, and now you have to give also examples and concrete points that what are the areas Jahape reforms ja to sub we can talk about u n its role as a multilateral international organization and how it helps to make global politics a much better place. then obviously, you can talk about certain challenges. जिसके कारण जो है ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग इतना ज़्यादा हैम्पर हो रहे हैं देन यू कैन टॉक अबाउट रिफॉर्म्स फर्स्ट रिफॉर्म्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्ट्रक्चर एंड सेकेंड रिफॉर्म्स विच आर रिक्वायर्ड इन फंक्शनिंग सो बोथ ऑफ दिस डोमेन ऑफ रिफॉर्म्स जो हैं इम्पोर्टेंट साबित होंगे इनके अलावा अगर कुछ और रिफॉर्म्स भी भी हैं जिनको आप सजेस्ट करना चाहते हैं वो आप एक और पैराग्राफ में लिख सकते हैं बिफोर कंक्लूडिंग द आंसर जिसमें आप हाईलाइट कर सकते हैं द डिस्पाइड ऑल द क्रिटिसिजम्स हाउ इम्पॉर्टेंट यू इज इन प्रोवाइडिंग अ वर्ल्ड एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स विच इज मोर कोऑपरेटिव विच प्रोवाइड्स फॉर डेवलपमेंट फॉर वन एंड ऑल एंड जिसके थ्रू मल्टी लेटरल इशूज डू हैं इंक्लूडिंग यू नो जैसे कि यूक्रेन क्राइसिस हो गया कोविड नाइन्टीन हो गया ग्लोबल कॉमंस का इशूज हो गया बेटर टैकल एंड हैंडल किए जा सकते हैं तो चलिए लेट्स लुक इंसर इन डिटेल न इम्पॉर्टेंटली यू एन को इंट्रोडक्शन के अंदर आप उसका एक कॉन्टेक्ट दे सकते हैं दैट हाउ आफ्टर दिन द एशेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोज यू एन विद द मैंडेट ऑफ प्रिवेंटिंग अदर सच ब्रूटल वर्ल्ड वॉर्स एंड फॉर इंश्योरिंग पीस हार्मनी डेवलपमेंट इन द इंटायर वर्ल्ड तो ये एक मिनिमम फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड करता था एंड आप यूज़ कर सकते हैं द वर्ड्स ऑफ द वेरी फेमस सेक्रेटरी जनरल ऑफ यू एन हेमश कॉल जो कि कहते थे दैट इवन द यू एन माइड नॉट क्रिएट अ हैवन फॉर ह्यूमैनिटी पर एटलीस्ट जो है विटनेस किए थे ये उनसे उनको बचा पाएगा However, despite the wide mandate of UN and the years that it's been in existence, UN is still thwarted by certain hurdles and challenges, which major hurdle. And this requires a wide number of reforms when it comes to both the structure of UN as well as its functioning. Now, what are these challenges? विच आर फेस्ड बाई यू जिसके कारण रिफॉर्म्स ज़रूरी हो जाते हैं सबसे पहले एंड इम्पॉर्टेंटली इज़ दी आइडिया दैट यूएन एंड इसकी जितनी भी ऑफ एजेंसीज हैं यूनेस्को देख लीजिए डब्ल्यू देख लीजिए हर कोई जो है वेरियस प्रॉब्लम्स इनकाउंटर कर रहा है इंक्लूडिंग द फैक्ट दे इनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा ब्लोटेड है बट उतना काम नहीं कर पा रही है दर इज अ लॉट ऑफ डिवाइसिवनेस एज फार एज इट्स आर कंसर्न एंड साथ ही साथ में दर इज अ लॉट ऑफ जियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन इस्पेली अमंगज द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यू एन सिक्योरिटी काउंसिल ना इंपॉर्टेंटली फंडिंग की अगर हम बात करें हम देखते हैं कि इतना वाइड मैंडेट तो दे दिया बट यू एन जिसको फाइनेंशियल प्रावेस की जरूरत पड़ेगी टू कैरी फॉरवर्ड एंड टू इन्श्योर दट दिस मैंडेट गेट्स फुलफिल्ड वहाँ जहाँ पे उनके पास पैसा नहीं है एंड ऑफ इवन सुपर पावर्स लाइक यूएन जो है डैंगल करती हैं प्रोमिस बट फंड नहीं करती है इनकी एजेंसीज को देन वेरी इंपॉर्टेंटली देर आर आल्सो अ लॉट ऑफ टेंशन बिटवीन द परमानेंट फाइव मेंबर्स जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को अंडरकट करते रहते हैं दैर बाय हॉल्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यू एन इज़ यू सिक्योरिटी काउंसिल इसी के साथ साथ देर इज़ ऑल्सो द इशू ऑफ़ इंक्लूसिवनेस एंड डाइवर्सिटी जहाँ पे बहुत ही कम कंट्रीज एंड बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द परमानेंट फाइव मेंबर्स इसके अलावा देर इज़ ऑल्सो द इशू ऑफ मिस यूज़ ऑफ वीटो जैसे कि हमने बहुत ही रिसेंटली इन कॉन्टेक्सट ऑफ द यूक्रेन क्राइसिस विटनेस किया है इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली यूएन जो है अपने पीस कीपिंग जो कि इनका एक प्राइमरी फोकस रहा है वहां पे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज एक्सेसिव वायलेंस सेक्सुअल अब्यूज़ के जो इश्यूज आए हैं पर्टिकुलरली सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ में उनको कर्टेल नहीं कर पाए हैं एंड साथ ही साथ में यू की खुद की जो बॉडी है वहां पर इतनी सारी डिफंक्ट एजेंसीज है जिनका कोई काम भी नहीं है बट दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग तो ये भी एक मेजर चैलेंज रहता है

ठीक है ना इंपॉर्टेंटली बिफोर वी रीच द रिफॉर्म्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक कंटेम्प्ररी कॉन्टेक्स से जो है इनको इंट्रोड्यूस करें अब कंटेम्प्रेरी बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू कैन हाईलाइट कि किस तरह से जो ऑन गोइंग वर्ल्ड अक्रॉस क्राइसिस है कोविड नाइन्टीन पैंडमिक हो गया यूक्रेन का क्राइसिस हो गया साउथ चाइना सी में जो इश्यूज़ उभर के आ रहे हैं इंक्रीजिंग जियो पोलिटिकल टेंशन जो हो गई से यूएस ईरान यूएस चाइना यूएस रशिया को मद्देनजर रखते हुए इनमें से कहीं पे भी जो है यूएन हैंडल नहीं कर पाया है इन इश्यूज़ को सिमिलरली सीरिया के अंदर जो सिविल स्ट्राइक चल रही है यमन के अंदर चल रही है अफगानिस्तान में तालिबान ने आके जो हैव अक्रैक किया हुआ है और जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं हर जगह जो है यू एन ऑलवेज फाउंड इट सेल्फ ऑन द रिसीविंग एंड एंड नॉट बी एबल टू टैकल द सिटुएशन इफेक्टिवली

री इनोवेट री डिस्कवर रिफॉर्मुलेट कर पाए यू एन एड इसके मैंडेट्स को ताकि इसकी एफिशियंसी इफेक्टिवनेस क्रेडिबिलिटी एज वेल एज लेजिटमेसी हर चीज के अंदर जो है इंप्रूवमेंट आ पाए ना वन इट कम्स टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्मर ऑफ रिफॉर्म सजेस्टेड सबसे पहले आता है यू एन जनरल असेंबली में जो रिफॉर्म सजेस्ट किए जा रहे हैं वो कहते हैं कि दो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हैं यूएन के यू एन सिक्योरिटी काउंसिल एंड द एन जनरल असेंबली जहां पर सिक्योरिटी काउंसिल जो है डोमिनेटेड है बाई द परमानेंट फाइव मेंबर्स जनरल असेंबली एक थोड़ी और डेमोक्रेटिक बॉडी जो है मानी जा सकती है हाउ एवर देर इज अज इशू ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज टू ऑर्गन ना ज़रूरी है कि यू को और ज़्यादा एम्पावर किया जाए और और ज़्यादा मौका दिया जाए इन टू बी एबल टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन एज वेल एज लीड दैट ओपिनियन इन टू ऑल्सो बींग इम्प्लीमेंटेड एंड इसीलिए वो क्या कहते हैं कि देखिए यूएनएससी में तो ऑलरेडी जियो पोलिटिकल टेंशन के कारण वीडो पावर यूज़ हो जाती है जिसके कारण कम्प्लीटली कम टू अम्पलीटली कम्स टू अ हॉल्ट तो इसीलिए ज़रूरी है दैट इन सर्टन केसेज़ यू एन जी ए को पावर दे दी जाए कि वो ओवर राइड कर पाए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को थ्रू स्पेशल मेजोरिटी इन फैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अंदर हाईलाइट किया था विच वॉज द सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ यू एन किस तरह से अभी जो है एक क्राइसिस इन कॉन्फिडेंस हम विटनेस कर रहे हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड होंगे यू एन जी ए के लिए अगर आप ट्रूली टीथ देना चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस को The other structural reform which is required is in the scenario of UN Security Council. Now यहाँ पे a number of structural reforms की ज़रूरत है। सबसे पहले तो कहते हैं कि ये जो permanent membership दी गई है permanent five को, जो कि आपके US, UK, France, China and Russia हैं ये एक बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड सिनेरियो जो है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं विच वॉज योर 1945 के रियलिटीज टुडे द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म टुडे द ग्लोबल रियलिटीज आर कम्पलीटली डिफरेंट एंड देयरफॉर देयर इज अ नीड टू आल्सो री द काइंड ऑफ में जो कि यू में बैठते हैं साथ ही साथ में वो कहते हैं कि इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी आल्सो ऑल्सो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अ नंबर ऑफ एरियाज लैटिन अमेरिका से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है अफ्रीका से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है वेस्ट एशिया से जो है कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो ज़रूरी है कि आप ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको करेक्ट कीजिए एंड इन फैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड बाय द ग्रुप ऑफ फोर और जी फोर कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्राज़ील जर्मनी इंडिया एंड जापान जो कि एक परमानेंट सीट अपने लिए डिमांड कर रहे हैं हैं एंड इसी इशू को उन्होंने दोबारा 2021 में जब सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी थी यूएन की उसको भी रिएटरेट किया था देन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वो कहते हैं कि यूएन का जो चार्टर है उसके प्रिंसिपल्स में भी जो है आपको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है अ केस इन पॉइंट इज आर्टिकल टू ऑफ क्लॉज सेवन जो कि बिल्कुल भी परमिट नहीं करता है यूएन इंटरवेंशन को इन डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ द सॉवरेन However, we have seen in the post 9 11 world, UN has now evolved itself into the idea of responsibility to protect, and a number of interventions in states have been taken on the basis of these humanitarian clauses. तो वो कहते हैं कि अब ज़रूरत है कि आप इस आर्टिकल को ट्वीट करें एंड इन फैक्ट इस डेफिनेशन को बेटर कीजिए ताकि मिसयूज ना किया जा सके ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का बट साथ ही साथ में यू एन इंश्योर कर पाए कि जहाँ पे भी अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं ह्यूमन राइट्स के क्राइसिस हो रहे हैं वहाँ पे एडिक्वेट सपोर्ट जो है यू एन की तरफ से पहुँच पाए टू द विक्टिम्स टू हु आर अग्रीड अब इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली देर आर ऑल्सो सर्टन फंक्शनल रिफॉर्म्स दैट आर रिक्वायर्ड सबसे पहले तो कहते हैं कि वैन इट कम्स टू द फंक्शनिंग ऑफ यू एन सिक्योरिटी काउंसिल देर इज रिक्वायरमेंट और ये बात हरदीप पुरी उनकी एक बहुत ही बढ़िया किताब है पेरिलियस इंटरवेंशन इसके अंदर वो अंडरस्कोर करते हैं कि किस तरह से जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर कंटिन्यूसली ग्लोबल पॉलिटिक्स के कारण टेंशन चलता रहता है तो इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है तो पहले तो पूरा ही ट्रांसपेरेंट मेकैनिज्म हो दैट वाई अ सर्टन कंट्री इज टेक इन अ सर्टन डिसीजन क्यों वीटो कर रहे हैं उसकी आप हमें क्लैरिटी दो ताकि दो कंट्रीज कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल साथ ही साथ में इसी के साथ चलेगा आपका वीटो रिफॉर्म्स भी तो कहते हैं कि एक यूनानिमिटी होनी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंटली परमानेंट मेंबर्स में अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को इफेक्टिवली काम करना है राइट हाउेवर यू का एक जो गोल रहा है ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी कि अगर कहीं पर भी क्राइसिस उठ के आता है यू एन एज अ बॉडी कलेक्टिवली विल रिस्पॉन्ड ये फंक्शन नहीं कर पाया इफेक्टिवली बाय बिकॉज ऑफ वीटो राइट तो कोरिया क्राइसिस हो गया गल्फ क्राइसिस हो गया छिचनिया का क्राइसिस हो गया जॉर्जिया हो गया यूक्रेन हो गया हर जगह जो है वीटो के कारण यू एन कम्प्लीटली इफेक्टिव रह जाता है एंड दैट इज़ वाई दिस ए न्यू फॉर्मुलेशन अ न्यू मेकनिज्म इज रिक्वायर्ड कि इधर आप वीटो को कम्प्लीटली ख़त्म कर दो या फिर से जैसे कि हमने बात की यू एन जी ए को कुछ ओवर राइडिंग पावर्स दे दो ताकि यू एन अपना कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो गोल है उसको इफेक्टिवली निभा पाए Then, very importantly, functions stream out of finance. So, financial reforms are also required for better functioning of the UN, uh, UNK, not just UNSC, but also UN Baki agencies. तो जितना ज़्यादा उनका काम है उतनी इफेक्टिव उनको फंडिंग नहीं मिल पाती कई स्कॉलर्स जो है सजेस्ट करते हैं कि आप जो है फंडिंग का मेकेनिजम बना दीजिए राइट कि हर डेवलप्ड कंट्री के लिए डेवलपिंग कंट्री के लिए लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिए थोड़े से कोटा सेट कर दीजिए कि इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी यू के पास जानी ही है सम अदर स्कॉलर्स सजेस्ट कि दे कैन ऑल्सो हैव इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ फंक्शनिंग जैसे कि टोबिन टैक्स हो गया

<coughs> इसके अलावा यूएस रशिया चाइना इंडिया इंडोनेशिया जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं एशियन कंट्रीज को जो आपके चाइना इंडिया इंडोनेशिया है ब्राज़ील रिप्रेजेंट कर सकता है लैटिन अमेरिका को एंड अरब लीग एंड अफ्रीकन यूनियन दो और रीजनल इंस्टीट्यूशन जो है इनको हिस्सा बनाया जा सकता है अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके अलावा ये कहते हैं ट्वेल्व अदर कंट्रीज़ इन द सिक्योरिटी काउंसिल जो है उनको नॉन परमानेंट मेंबर्स की तरह रोटेशन बेसिस पे इंक्लूड कर सकते हैं एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली कोई भी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन जो है वो तभी वीटो किया जा सके अगर दो कंट्रीज टुगेदर एक्सरसाइज वीटो पावर इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट गिवन द काइंड ऑफ चेंजेस जो कि कोविड नाइनटीन लेके आया है लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड भी जो है बात करती है इन द इकोनमिस्ट जहाँ पे वो कहते हैं कि यू एन एस सी बेटर फंक्शनिंग के लिए नंबर ऑफ डिजिटल टूल्स जो है यूज़ कर सकता है ताकि उसकी फंक्शनिंग जो है और ज़्यादा इफेक्टिव हो पाए तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं इसके अलावा अगेन देर आर अ नंबर ऑफ अदर इश्यूज जो कि सजेस्ट किए गए हैं सबसे पहले तो ये आप स्ट्रक्चर में भी इंक्लूड कर सकते थे राइट कि इतना ब्लोटेड स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर स्ट्रीमलाइनिंग की ज़रूरत है सो अ नंबर ऑफ बॉडीज फॉर एग्जाम्पल ट्रस्टीशिप जो कि पहले कलोनियल वर्ल्ड के टाइम पे जो कि न्यूली डी हो रहा था तब मैटर करती थी बट अब जो है इसका कोई काम नहीं है तो या तो आप बॉडी को अबॉलिश कर दीजिए या तो इसको कुछ नया मैंडेट दे दीजिए जैसे कि ग्लोबल कॉमन्स की जो है ये रक्षा करेगी सिमिलरली वैन इट कम्स टू सेक्रेटेरिएट उसके अंदर जो करप्शन है रेड टेपिज्म है एक्सेसिव ब्यूरोसी है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी की इशूज़ हैं इन सब को भी जो है आप करेक्ट कीजिए इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस जेफरी सैक्स सजेस्ट करते हैं कि यूएन को ज़रूरत है कि अब नए जो अप एंड कमिंग इश्यूज हैं उनके अंदर वो अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाए तो जैसे कि अब पैंडमिक्स का इशू हो गया रिन्यूएबल एनर्जी का इशू हो गया इन सब को जो है इसके अंदर आपको नए एक्सपर्ट्स को लाना पड़ेगा देन ही ईल्सो सजेस्ट कि कुछ यू के जो प्रोग्राम्स हैं जो कि अब या तो फंक्शनिंग नहीं है या फिर देर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफ द सेम इशूज इधर आप उनको मर्ज कर दें या फिर कंप्लीटली अबेंडेन कर दें हमद अल्कवा नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली आर्ग्यू करते हैं कि यू एन अगर अपने आप को रेलिवेंट रखना चाहता है तो ज़रूरी है कि वो अपने पुराने माइंड सेट को छोड़ के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को विद ओपन आर्म्स एक्सेप्ट करें अगर ये नहीं होगा तो यूएन के जो चैलेंजेस है वो बढ़ते ही जाएंगे इनफैक्ट इसी को मद्देनज़र रखते हुए यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्वातरिस ने भी इन आर कॉमन एजेंडा रिपोर्ट हाईलाइट किया था कि दिस वर्ल्ड जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सिनेरियो चल रहा है वो हाईलाइट करता है कि अब हमें रादर देन टर्निंग इन ज़रूरत है एक और भी ज़्यादा इंक्लूसिव और मल्टीलिटर सिस्टम की जिसका जो एक चीफ एंकर है वो यूनाइटेड नेशंस रहे ऑन दैट नोट द आंसर कम्स टू एन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं ना दिस क्वेश्चन से इज दैट डू यू अग्री अगेन इट्स अ कॉमेंट बेस्ड आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन दैट डू यू अग्री दैट यू एन इज फेल टू कंटेन ट्रांसनेशनल टेररिज्म इलेबरेट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स तो प्राइमरिली अभी क्या बोल रहे हैं दैट वन इम्पोर्टेंट ग्लोबल इशू दैट इज ट्रांस नेशनल टेररिज्म क्या उसके साथ डील करने में यूएन इनफेक्टिव रहा है आपने हमें ये बताना है ठीक है एंड अगर आपको लगता है कि हाँ जी इनफेक्टिव रहा है देन तो आपने एग्जाम्पलीफाई करना है एग्जाम्पल्स देने हैं कि क्यों इनफेक्टिव रहा है अगर आपको लगता है कि इफेक्टिव रहा है तो आपने एग्जाम्पल्स देने हमेशा जो है एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है आंसर के रखें राइट जो कि हम अपने स्ट्रक्चर में भी बताते हैं कि सबसे पहले यूएन एंड यूएन किस तरह से डील करता है टेररिज्म के साथ उसके बारे में आप ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं यू कैन टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म किस तरह से अभी भी इसेंशली कंटेस्टेड जो है कॉन्सेप्ट है किस तरह से यूएन जो है आज सिर्फ टेररिज्म नहीं बल्कि एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के साथ भी डील कर रहा है किस तरह से द तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इज़ रॉट बाय जो कि सैम्यल हंटिंगटन ने बोला था द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड उसके अंदर क्या रोल है यू का बिफोर यू मूव टूवर्ड्स टॉकिंग अबाउट यू के इनिशिएटिव्स जो कि उन्होंने लिए हैं टू कंटेन ट्रांसनेशनल टेररिज्म एंड इन्हीं के थ्रू आप बता देंगे कि कितनी हद तक ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल रहे हैं या फेल रहे हैं तो अगर आप फेल रहे की बात कर रहे हैं उनको एग्जाम्पल्स दीजिए कि कहाँ कहाँ पर हम देख सकते हैं दैट दीज इनिशिएटिव डिड नॉट लील रिजल्ट इन टू कंट्रोलिंग टेररिज्म एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर द बैलेंस्ड अप्रोच यू कैन ऑलसो टॉक अबाउट इनिशिएटिव चूँकि यू एन ले रहा है जो कि किसी हद तक एटलीस्ट ट्राय कर रहे हैं टेररिज्म के साथ डील करने के लिए बिफोर एंडिंग द आंसर विथ सजेश्स कि किस तरह से यू एन अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है इन डीलिंग विद दिस ग्लोबल इशू ऑफ ट्रांसनेशनल टेररिज्म ठीक है तो जब आप इन सारे पॉइंट्स को जो है इन ब्रीफ uh, जो है डिस्कस कर देंगे मैंशन कर देंगे आंसर में इट विल बी ए होलिस्टिक आंसर नाउ इन द बिगिनिंग अबाउट किस तरह से यूनाइटेड नेशंस जब क्रिएट किया गया था वन ऑफ द प्राइमरी मैंडेट्स यू का क्या था टू इंश्योर अ बेटर लाइफ फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ये महसूस और उनको एक ज़्यादा सिक्योर लाइफ फ्रीडम की लाइफ जो है इंश्योर करके देना हाउ एवर एज वी सीन इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इन चीज़ को आप एड कर सकते हैं लॉट ऑफ थ्रेड्स डो नॉट इमर्ज फ्राइवल और एनिमी स्टेट्स बट इनफैक्ट जो है नॉन स्टेट एक्टर्स से एमरज होकर आ रही है एंड इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स में से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है ट्रांसनेशनल टेररिज्म की है अब ट्रांसनेशनल टेररिज्म होता क्या है ना देर इज़ नो फिक्स डेफिनेशन इन फैक्ट इट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इसेंशली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट अक्रॉस द वर्ल्ड ठीक है हाउएवर कुछ थ्योरिस्ट जैसे कि न्योम चॉम्प्स की हो गए फॉक हो गए ये आर्ग्यू करते हैं द टेररिज्म बेसिकली इज वन सर्टन ग्रुप्स टू अचीव दे आर एक्सट्रीम गोल्स टेन टू किल अनआर्म्ड इनोसेंट सिविलियंस अब ये स्टेट एक्टर्स भी हो सकते हैं तो मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट भी हो सकते हैं right? राइट तो फॉर एग्जांपल कई जगहों पे जैसे कि हम देखते थे प्रायर टू इवन अरब स्प्रिंग एक्सेट्रा बहुत सारे स्टेट्स जैसे कि अगर हम सीरिया की बात करें जहाँ पे सीरियन गवर्नमेंट ने खुद बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर यूज किया अपने लोगों के अगेंस्ट वहीं पे कई जगहों पे नॉन स्टेट एक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे अगर हम आईसिस की बात कर लें वो नॉन स्टेट एक्टर है अलकायदा की बात कर ले नॉन स्टेट एक्टर है तालिबान ऑन द अदर हैंड कैन बी एन एग्जांपल ऑफ स्टेट टेररिज्म राइट स्पेशली बिफोर इट वाज लेजिटिमाइज्ड एज अ गवर्नमेंट बट उससे पहले जब वो कंट्रोल करते थे अफगानिस्तान को एंड द काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्सेसिस जो कि कॉज कर रहे थे वो स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखी जा सकती थी इंपॉर्टेंटली स्टेट टेररिज्म जो है जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म होता है जैसे कि पाकिस्तान का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट बाई इंश्योरिंग ईजी या सॉफ्ट ऑप्शन होता है टू इंफ्लूएंस पॉलिसी ऑफ अदर स्टेट पाकिस्तान को क्योंकि पता है अ वॉर विद इंडिया कैन प्रूव टू बी वेरी एक्सपेंसिव एंड पॉसिबली उनके हारने के भी चांसेस हैं राइट या फिर इट कैन बी ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन बहुत जो है यू नो इंटरनेशनल कंडेमनेशन हो सकता है तो वो वो ये सॉफ्ट ऑप्शन जो है एक्सरसाइज करते हैं अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू टू कॉज पे जो कि मेन बोन ऑफ कंटेंशन है तो जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया इंपॉर्टेंटली बिकॉज देर इज नो इंटरनेशनल गवर्नमेंट या वर्ल्ड गवर्नमेंट जो कि एग्जिस्ट करती है यूएन एक ऐसी मल्टीलेटरल इंटरनेशनल बॉडी है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है ऑफ डीलिंग विद टेररिज्म

सबसे पहला आता है दी इशू ऑफ देर बीइंग नो फिक्सड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म अब किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपने रूल्स बनाने हैं कोई एक इंटरनेशनल नॉर्म सेट करने हैं एटलीस्ट एक बेसिक डेफिनेशन की तो ज़रूरत है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो आज तक यू जो है एक कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन नहीं बना पाया है जो कि एक्सेप्टेबल हो दोनों यू को एज वेल एज सारी कंट्रीज को राइट इनफैक्ट इंडिया का ये एक मेजर पुश रहा है कि आप कॉम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म जो है जो कि क्रिमिनलाइज करे, ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म को फाइनेंस को सब चीज को उसको आप पास करें एंड वन ऑफ द रीजन जिसके कारण ये पास नहीं हो पा रही है यू द्वारा इज बिकॉज ऑफ द डिसग्रीमेंट ओवर द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इट्स सैट देन अनादर इशू जो कि विटनेस किया जाता है जिसके कारण यू एन इज नॉट बीन एबल टू टैकल ट्रांस नेशनल टेररिज्म इज बिकॉज ऑफ वेरियस डेड लॉक अब यू एन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक सैक्शन कमेटी होती है जो कि बेसिकली सैक्शन इम्पोज कर सकती है ऑन इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो कि टेररिज्म में इंडल्ज करते हैं हाउ एवर देर इज ऑलवेज बीन डेड लॉक बिटवीन पी टू एंड पी थ्री पी टू कौन है चाइना एंड रशिया वर्सेज हु यू एस यू के एंड फ्रांस तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर सकते हैं कि इंडिया जो कि अब्दुल रहमान माकी को जो कि लश्कर त्यबार के जो हफीज़ सईद के ब्रदर इन लॉ हैं उनको वो इंक्लूड करना चाहते थे इन द सैंक्शंस लिस्ट बट चाइना ने इस मूव को जो है ब्लॉक कर दिया तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके कारण ऐसे डेडलॉक्स एमर्ज कर जाते हैं विच लीड टू द फ्लारिशिंग ऑफ टेररिज्म एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंटली देर इज आल्सो एक्सप्लोइटेशन ऑफ फॉल टाइम्स अब यूएन के खुद के सेक्रेटरी जनरल ऑन्टोनियो ग्वातरस ने बात की कि, कि किस तरह से वेरियस टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए अलकायदा हो गया दाएश हो, हो गया जो कि आपका आईसीस है ठीक है इनके बहुत सारे सिस्टर एंड ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिलियेट्स जो हैं होते हैं राइट right? इन इतने सारे एफिलियेट्स जो कि अब अफ्रीका में भी आ गए हैं तो फॉर एग्जाम्पल बोको हराम एसेट्रा जो है स्टार्टेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि अब फुल फ्लैजड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द ओन राइट बढ़ गए हैं एंड क्या होता है तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जहाँ पे सिविल स्ट्राइफ एथनिक वायलेंस या कुछ और इंटरनल वीकनेस एग्जिस्ट करती है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन फॉल्ट लाइन्स को यूज़ करके टेररिज्म जो है बढ़ा देते हैं तो अगर हम सीरिया की सिविल स्ट्राइफ की बात करें येमिन के अंदर बात करें राइट जो कि सिविल वॉर्स के साथ शुरू होते हैं एंड देन यहाँ पर जो है टेररिस्ट ग्रुप्स निकल आते हैं सिमिलरली अगर हम बात कर सकते हैं इवन आपके अफ्रीकन कंट्रीज लाइक नाइजीरिया की जहाँ पे एथनिक एंड रिलीजियस वायलेंस के कारण ग्रुप्स लाइक बोको हराम हैज हैव बीन सो सक्सेसफुल देन वेरी इंपॉर्टेंटली देर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन टेररिस्ट एंड पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स वेयर इन सम टाइम सर्टेन रोग स्टेट्स मेक यूज ऑफ दीस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फॉरन for पॉलिसी जिसके कारण जिस तरह का प्रेशर डलना चाहिए यू एन पे अगर ट्रुर्ण ट्रुर्ण वो नहीं डल पाता है उसामा बिन लादिन का खुद जो है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में मिलना एंड पाकिस्तान क्लेमिंग उनको पता ही नहीं था तो इस तरह के एग्जाम्पल्स भी जो है आप कोट कर सकते हैं पाकिस्तान की, Next very very importantly another issue that remains is the adoption of new forms of violence and techniques by various terrorist groups. इनफैक्ट जिस तरह से हम टेररिज्म से नाइनटीन सेंचुरी ट्वेंटी सेंचुरी में इमेजिन करते थे ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी का जो मॉडर्न टेररिज्म एंड इसका वॉरफेयर है इस कंप्लीटली डिफरेंट जहाँ पे अब ये बहुत सारे अनकन्वेंशनल मीनस एंड मेथड्स भी जो हैं यूज़ करने लग गए हैं वैर दर इज़ ऑल्सो फियर ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म साइबर टेररिज्म इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल टेररिज्म जिसके कारण जो है यू एन पॉसिबली अभी तक प्रिपेयर नहीं है उनके पास एक्सपर्टीज तक नहीं है टू डील विद सच फॉर्म्स ऑफ ट्रांसनेशनल कहा ऐसा तो नहीं है कि हाथ पे हाथ धरा बहता है लिस्ट आउट कर सकते हैं तो बैलेंस आंसर बन जाएगा तो आपने उनके फेलियर भी बता दिए अब इनिशियटिव के साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स उन्होंने लिए आप उसकी भी बात कर सकते हैं सबसे पहले इज द यू एन एस ए रेजोल्यूशन वन थ्री सिक्स एट जिसने किया कि इंटरनेशनल टेररिज्म जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है एंड देयरफॉर यूएन हर एक्शन लेगा इसको कॉम्बैट करने के लिए सो so बेसिकली इस रेजोल्यूशन के साथ एक मॉरल फोर्स एक मॉरल बैकिंग जो है अगेंस्ट ट्रांसनेशनल टेररिज्म वो यू प्रोवाइड करता है देन वेरी इंपॉर्टेंटली यू का यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म भी है जो कि पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखता है व्हेन इट कम्स टू काउंटर टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को रोकने के वेरियस मेथड्स इनफैक्ट जैसे जैसे कोविड नाइन्टीन पैंडमिक जो है आ रहा था जो आपका काउंटर टेररिज्म का ऑफिस है इन्होंने तब भी स्टेप्स ये लेते गए टू इंश्योर कि मल्टीलेटरल कोऑपरेशन इंश्योर करी जा सके एंड इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स टेररिज्म जो है कोई एक बड़ा इवेंट कोई इशू ना कर दे उसको कर्टेल करने के लिए भी जो है इन्होंने वेरियस स्टेप्स लिए थे देन वेरी इम्पोर्टेंटली इसके अलावा यू कैन ऑल्सो टॉक ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम तो आप बात कर सकते हैं कि किस तरह से नार्को ट्रेड जो है यूज किया जा सकता है टू तो सपोर्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ तो इसके चलते हुए अफगानिस्तान जैसे कंट्रीज़ हो गई इन सब की जो नार्को ट्रेड है उसको कर्ब करने के लिए ये ऑफिस इस्टेब्लिश किया गया है बेसिकली इलिसिट ड्रग्स स्मगलिंग इन सब को कर्ब करने के लिए इसके अलावा देर इज़ ऑल्सो द यू एन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी जो कि बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कमिटी है जो कि अलाउ कर सकती है टारगेटिंग ऑफ सर्टन इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज़ एज़ बीग अ थ्रेट टू पीस ठीक है इसके अंडर ये टारगेटेड सेंक्शन एंड इंटेलिजेंट सेंक्शनस जो हैं उनको इम्पोज कर सकते हैं

उसके कारण जो है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेश तो इसी के लिए देर आर ऑफ टारगेटेड फाइनेंशियल जो कि इम्पोज किए जा सकते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स पे स्टेट्स पे भी एंड साथ ही साथ में आपकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि वेरियस मीन अडॉप्ट करती है सैक्शन इम्पोज करने के लिए ऑन एनी ऑफ दीज इंडिविजुअल और एंटिटीज जो कि टेररिज्म को किसी भी तरह से सपोर्ट कर रहे हो सो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है काइंड ऑफ इशूज जो कि इनके साथ एसोसिएटेड थे वेन इट केम टू फंडिंग ऑफ टेररिज्म एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल दैट कैन बी इंक्लूडेड इन कंक्लूजन आप ब्रीफली वे फॉरवर्ड की बात कर सकते हैं लैदमी वॉरन कॉफ जो कि यू एन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म को हेड करते हैं वो कहते हैं ज़रूरी है कि यू एन इंक्लूजिव फॉरवर्ड लुकिंग एंड एविडेंस बेस्ड अप्रोच अपनाए टेररिज्म को हर एवेन्यू पे कर्ब करने के लिए साथ ही साथ में जरूरी है दैट यूएन वेक्स अप टू द फैक्ट दैट देर इज़ नीड टू क्रिएट अ ग्लोबल काउंटर टेररिस्ट जीम एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ह्यर इज़ कि जो आपका ड्राफ्ट कॉम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म है आप उसको पुश कीजिए एंड एक्सेप्टेड ताकि एक डेफिनेशन आ सके टेररिज्म की एंड कॉन्क्रीट एक्शन जो हैं वो लिए जा सके अगेंस्ट टेररिज्म इस तरह की ग्लोबल अलायंस बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग कंसेंसस जो है ज़रूरी होगी ताकि सिर्फ कंट्रीज अपने रियलिस्टिक पॉलिटिकल गेन्स की सिर्फ चिंता ना करें बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड पीस सिक्योरिटी इन सब के ऊपर भी जो है फोकस करें इट इज ओनली देन कैन वी गेट रिड ऑफ दिस ऑफ़ ट्रांसनेशनल टेररिज्म विच इज़ अ थ्रेट टू पीपल एंड देयर सेफ्टी सिक्योरिटी एंड पीस अक्रॉस द वर्ल्ड एट ऑन दिस नोट आप इस आंसर को खत्म कर सकते हैं अगेन जो पी है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप जो पी है उसको डाउनलोड कर सकते हैं राइट right? तो फॉलो करते रहिए रेगुलरली लेक्चर्स देखते रहिए एंड होप दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू